जेआरडी टाटा, जिन्होंने साल 1932 में भारत की सबसे पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस का गठन किया, जो बाद में एयर इंडिया कहलाई और आज भी टाटा ग्रुप की एक सबसे बड़ी ब्रांड है, इस रेवोल्यूशनरी एयरलाइंस की शुरुआत करने के कारण जेआरडी टाटा को फादर ऑफ इंडियन कमर्शियल एविएशन कहा जाता है। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के बाद टाटा ग्रुप को एक्सपेंड करने और आइकॉनिक ब्रांड्स टाटा सोल, टाटा मोटर्स, टाटा वोल्टास, टाटा टी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन वॉचेस क्रिएट करने वाले शख्स थे जेआरडी टाटा। जब वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तो ग्रुप की मात्र 14 कंपनी थी, जिसे उन्होंने अपने 50 साल के कार्यकाल में ये सब ब्रांड बनाकर 95 कंपनीज बना दिया। इसके अलावा होमी जे बाबा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है, जेआरडी टाटा ने उनके साथ मिलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एस्टेब्लिश किया, जहां से शुरुआत हुई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की और भारत के रॉकेट लॉन्चेस की। जमशेदजी टाटा के बाद टाटा को देश विदेश का सबसे बड़ा ग्रुप बनाया जेआरडी टाटा ने। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, क्योंकि ये स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ।